Bismillahir Rahmanir Rahim, on the demand of Priyesh Ranjan from Begusarai, Bihar, एक मैट्रिक्स की प्रॉब्लम है जिसमें एक मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड करना है. रिड्यूस द मैट्रिक्स ए दिस इसके एलिमेंट 0, 1, 3 कॉलम में 1, 2, 1 थर्ड कॉलम में 2, 3, 1 फोर्थ कॉलम में 1, 2, 3 टू इट्स नॉर्मल फॉर्म. यानी मैट्रिक्स को पहले तो हमें इस नॉर्मल फॉर्म में बदलना है और फिर इसी इसकी हेल्प से डिटरमाइन करना है इट्स की रैंक, यानी मैट्रिक्स की रैंक निकालना है. हम लोग जानते हैं किसी मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म होती है उसमें आई आर और यहाँ पर मैट्रिक्स होंगी इस फॉर्म में होगी. इसको जब नॉर्मल फॉर्म बदल देंगे तो आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो ऑर्डर होगा वो इस मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी. यानी यहाँ पर आर ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स है तो आर रैंक हो जाएगी. आर का मीन्स यहाँ पर जैसे आर की वैल्यू अगर 2 हो तो आई 2 मीन्स होता है 1, 0, 0, 1. तो हमारे ये मैट्रिक्स, ये तो हमारा नॉर्मल फॉर्म का बता दिया. इस फॉर्म में हमें मैट्रिक्स को चेंज करना है. हमारी मैट्रिक्स ये है यानी ए इजिकल टू 0, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. सबसे पहले यहाँ पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होगी यानी 1 बनाना होगा इस जगह पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पोजीशन पर 1 बनाना होगा. तो 1 को हम इस कॉलम से भी ला सकते हैं, रो से भी ला सकते हैं. तो हम इस आर टू से इसको यहाँ पर 1 को ले आएंगे आर वन को और आर टू को इंटरचेंज करते हुए. तो जब मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी तो इसी के इक्विवेलेंट इन एक इक्विवेलेंट एक मैट्रिक्स मिलेगी जिसकी मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी लेकिन इसका ऑर्डर जो ए का ऑर्डर होगा वही ये होगा क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन करने पर मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता. तो इसको फर्स्ट रो में पहुंचाने पर 1, 2, 3 और 2 हो जाएगी और फर्स्ट वाले रो को सेकेंड पहुँचा देंगे तो 0, 1, 2, 1 थर्ड रो को अपनी जगह पर रखें 3, 1, 1 और 3. इसके बाद हमने 1 बनाया, 1 के नीचे 0 बना लेते हैं. तो यहाँ तो 0 है, द 3 को 0 बनाने के लिए R3 में ऑपरेशन कर देंगे. R3 में से माइनस कर लेंगे R1 को, लेकिन सिर्फ R1 को नहीं, इसमें 3 से जब मल्टीप्लाई होगा इस R1 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तभी ये 0 हो पाएगा. तो 1 बनाया, 1 के नीचे 0 होना चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करके 0 यानी पूरे R1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर लेंगे. हालांकि R1 में चेंज नहीं आएगा, चेंज वही आता है जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है. R3 में ही चेंज आएगा यानी R1 और R2 अनचेंज रहेंगे, ये ऐसे ही लिख दें लेकिन ऑपरेशन हो जाएगा R3 में. ऑपरेशन में जो भी लिखा है यहाँ पर वही ऑपरेशन होगा यानी R3 में से माइनस करना है R1 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद. 3 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस करेंगे 0 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6 हुआ, 1 में से 6 माइनस करेंगे माइनस का 5 आ जाएगा. 1 में से यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हुआ 9 हो गया, 1 में से 9 माइनस करेंगे तो 8 आ गया माइनस का. यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6 हुआ, 3 में से 6 माइनस होंगे माइनस का 3 आ जाएगा. तो 1 बना उसके नीचे 0. अब इसके सामने यहाँ पर 0 बनाने के लिए कॉलम में ऑपरेशन कर लेंगे क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में रो और कॉलम दोनों में भी ऑपरेशन कर सकते हैं. तो इस C2 में से जब C1 को माइनस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ 0 आ जाएगा. तो C2 में ऑपरेशन कर लें, C2 में से 2 टाइम्स C1 माइनस कर दें. अब C3 में यहाँ पर 0 बनाना है तो C3 में से माइनस कर लेंगे 3 टाइम्स C1 को. ऐसे ही C4 में ऑपरेशन कर लें, C4 माइनस 4 टाइम्स यहाँ 2 है तो 2 टाइम्स C4 हो जाएगा. तो A इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ जाएगी ये 1, 0, 0, ये सारे 0 हो जाएंगे और ये वाले एलिमेंट बाकी अनचेंज रहेंगे क्योंकि ये 0 है, इसमें मल्टीप्लाई होकर कुछ भी माइनस करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना. तो ये एलिमेंट तो ऐसे ही बने रहे. अब हमें अगला नॉर्मल फॉर्म के लिए 1 आइडेंटिटी यहाँ पर बनाना होगी, 1 उसके नीचे 0 उसके सामने 0. अब यहाँ पर 1 बनाना होगा, ये पहले से 1 है तो हमें बनाने की जरूरत नहीं, इसके नीचे 0 बनाना होगा. यानी इसमें यानी ये R3 है, R3 में 5 की माइनस 5 की पोजिशन पर 0 बनाने के लिए R2 का यूज़ करें, इसमें 5 से इंटू करके प्लस कर देंगे तो 0 आ जाएगा. यानी R3 में ऑपरेशन कर लें, R3 में से प्लस कर दें 2, 5 टाइम्स R2 इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा. बाकी इसी के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, देखेंगे R1 में R2 में कोई चेंज नहीं होगा, इससे तो ऐसे नोट कर लें.
जीरो वन टू वन, इसमें फाइव से मल्टीप्लाई करते हुए माइनस प्लस करेंगे तो ये तो ज़ीरो हो गया, इसमें फाइव से मल्टीप्लाई किया टेन हो गया, प्लस किया तो टू आ गया, इसमें फाइव से मल्टीप्लाई किया इसमें ऐड किया तो टू आ गया। तो हमने यहाँ पर वन बनाया उसके नीचे ज़ीरो, अब इस वन के सामने भी ज़ीरो बनाना होगा। तो अब कॉलम में ऑपरेशन होंगे, कॉलम में ये ऑपरेशन होंगे, आर थ्री में ज़ीरो यहाँ बनाना है तो आर टू में टू से इंटू करके माइनस कर दें, यानी आर सॉरी कॉलम में सी थ्री में से माइनस करना है सी टू को टू से मल्टीप्लाई करते हुए, और इस सी फोर में से डायरेक्ट सी टू माइनस करेंगे, वन में से बन जाएगा ज़ीरो आ जाएगा, सी फोर में से डायरेक्ट माइनस कर दें सी टू को। तो कॉलम में ऑपरेशन यहाँ पर सिंपल रहेंगे क्योंकि ये ज़ीरो है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, डायरेक्ट आप ज़ीरो कर दें इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कॉलम में किया ऑपरेशन तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम अनचेंज रहेंगे जैसे हैं, इनको वैसे के वैसे लिख देंगे, और यहाँ पर जो हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो और ये टू वैसे ही रहेगा, ऐसे यहाँ पर ज़ीरो बनाया था तो इधर ज़ीरो आ जाएगा, इधर टू वैसे रहेगा। अब यहाँ पर मैं वन बना लिया, उसके नीचे ज़ीरो उसके सामने ज़ीरो, यहाँ वन बनाना है तो वन बनाने के लिए इसमें डिवाइड कर दें टू से, यानी आर थ्री में थर्ड वाले रो में को टू से डिवाइड कर दें तो ए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ जाएगी, वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो 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 वन वन। अब इस वन के बाद इसके नीचे तो कुछ है नहीं तो उसके सामने ज़ीरो बना दें, यानी फोर्थ वाले कॉलम में सी फोर में से माइनस कर दें सी थ्री को, तो सी थ्री को माइनस करेंगे तो ए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ जाएगी, वन ज़ीरो 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 सॉरी यहाँ बनाएगा और ये ज़ीरो एंड ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आइडेंटिटी बन गई। इसके बाद यहाँ पर आप पार्टीशन कर लेंगे, पार्टीशन जैसे ही कहेंगे तो ये देख रहे हैं ए एक मैट्रिक्स आ चुकी है जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर की है, और यहाँ पर एक ज़ीरो मैट्रिक्स आ चुकी है जो कि थ्री बाई वन ऑर्डर की है, इससे में कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से नॉर्मल फॉर्म ये हो गई है, इसकी ए की रैंक इस तरीके से जो ऑर्डर आई का होता है वही इसकी रैंक हो गई, इसकी रैंक थ्री आ गई। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।